नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन समारोह में शामिल होंगे, जिसमें जयपुर में हजारों भाजपा कार्यकर्ता पहुंचेंगे। महारैली की तैयारियां पूरी हो चुकी है। गंगापुर सिटी में परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित द्वारा पार्थ रिसोर्ट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्षद धन सिंह मावई ने निज निवास पर संकल्प यात्रा के समापन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुँचने का आह्वान किया। साथ ही धन सिंह मावई ने बताया कि गांव-गांव ढाणी ढाणी पीले चावल बांटे गए हैं और अधिक से अधिक संख्या में समापन समारोह में पहुंचने का आह्वान किया है। आइए देखते हैं संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। संघ के मामले में उनको अधिकार ही नहीं। 20,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार केंद्र के जल जीवन मिशन के पैसे का दुरुपयोग कर चुकी है। हमने जाँच की मांग की है। केंद्र सरकार का 100% पैसे की योजनाओं में जिस प्रकार से वो वावाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझ करके भेदभाव करके जाति धर्म के आधार पर अगर कोई भेद हो रहा है तो वो गंगापुर में कर रहे हैं। ये लोग आम जनता और 36 कौम की आवाज़ है। अब वो ज़्यादा समय नहीं है, अभी 2023 में इतने मतों के साथ में जीतेगी, मैं आपको विश्वास दिलाऊँ, जो कभी नहीं बन पाए। मंत्री माफिक जमीनों में आपने विरोध क्यों नहीं किया? हमने विरोध काफ़ी बार किया है, मगर विरोध करने जनता है, जनता सब समझ चुकी। जब कोई प्रकार से प्रशासन को, जब सरकार राजस्थान का मुखिया ही भ्रष्ट है, तो कर्मचारी क्या कर पाएंगे बताइए। नहीं, आए दिन जो अखबारों में चल रहा है कि मंत्री वापियों पर हाईकोर्ट में स्टे होने के बाद भी प्रशासन बीजेपी वाले क्यों शांत बैठे हुए? बीजेपी वाले जो लोग हैं वो अपने जो बेचारे शांत नहीं है, वो प्रदेश में लगातार आवाज़ को उठा रहे। आपने देखा है, हम जेलों में भी बंद हुए हैं, हमने काफ़ी बार आंदोलन किए, मगर ये भ्रष्टाचार को जनता समय आने पर पूरी तरीके से, सर जैसे आपने कहा, तरीके से अपने बेटे को पढ़ाता है वो गरीब व्यक्ति, और जब वो सपने साकार करने के लिए जाता है और लास्ट में जब पेपर दिख जाता है पैसे, तो उनके आंसू नहीं पूछे। 16-17 बार इस कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक हुए, आपको विदित है सब चीज़ें। आज बदरी माफियाओं से उठा के देख लो आप, युवा परेशान, महिला परेशान, जितनी भी आज चोरी चकोरियाँ हो रही है, मर्डर केस हो रहे हैं, किसी भी गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आप चाहे नगर परिषद से लेकर के पूरे जावी देख लो, हर जगह भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे हो चुका है। ये इतिहास गवाह है और आपको भी ये साक्षी में, और ये मैं ही नहीं कह रहा, पूरे जगह देख लो आए दिन कितनी घटना हुई है। परिवर्तन देखो पत्रकार महोदय जी, आप खुद समझदार कि जनता इस बात को समझ चुकी कि आज तक के इतिहास में 70 साल में जो इस बार हुआ था भ्रष्टाचार, वो कभी नहीं हुआ। जिस तरह का जिस प्रकार की समस्या थी विधानसभा में, उनको दी थी, आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, तब ये सारी बातें सुनी जाएगी। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।